हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं कुछ अलग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेशनल ज्योग्राफी पर आई एक सीरीज का एपिसोड द रियल मैकगाइवर को। ये एपिसोड एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर बात की जाए इस एपिसोड की तो ये किसी मूवी से कम नहीं। इस कहानी में एक आदमी टेक्सास की सबसे सुरक्षित जेल से भाग निकला था। अब वो पुलिस से भाग निकलेगा या पकड़ा जाएगा, तो ये जानने के लिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी शुरू होती है सितंबर 2001 में। 25 साल के हारल्ड लेयर को टेक्सास की स्टाइल्स जेल में शिफ्ट किया गया था। हारल्ड पर दो खून के इल्जाम थे। उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। उसे लगभग 35 साल जेल में रहना था। अपनी सेल की तरफ आते हुए उसे एक कैदी धक्का मार कर जाता है। हारल्ड 16 साल की उम्र से जेल में है, इसीलिए उसे जेल के हालातों के बारे में पहले से पता है। और बदकिस्मती से उसे रेसिस्ट कैदियों के बीच रखा गया। उस ब्लॉक में सभी कैदी रेसिस्ट थे। सेल में आते ही बगल वाली सेल वाला कैदी हारल्ड से उसके रैंक पूछने लगा। हारल्ड को पता नहीं था वो किस बारे में बात कर रहा है। साथ ही वो कैदी उसे धमकी भी देता है कि वो यहाँ ज्यादा दिनों तक बचेगा नहीं। थोड़ी देर बाद उस ब्लॉक के सभी कैदी SOS चिल्लाने लगे। कुछ ही देर में हारल्ड समझ गया था कि ये SOS उसी के लिए कहा जा रहा है। SOS का मतलब था स्टैब ऑन साइड, मतलब मौका मिलते ही उसे मार दो, मतलब हारल्ड यहाँ ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बचने वाला। अब अगले दिन एक गार्ड उसे बाहर ले जाने आया। पहले उसने हारल्ड को हथकड़ी लगाई, फिर सेल का दरवाजा खोला। उस समय हारल्ड को पता था उस पर कभी भी हमला हो सकता है, और यही हुआ। तभी वहाँ से जाते हुए एक कैदी ने उस पर हमला कर दिया। उस समय हारल्ड के हाथों में हथकड़ी लगी थी, फिर भी उसने किसी तरह उस कैदी से फाइट की। फिर कुछ ही देर बाद गार्ड्स ने उन दोनों को पकड़ लिया। लेकिन ठीक उसी समय हारल्ड को समझ आ गया था कि जिंदा रहने के लिए उसे किसी न किसी को मारना होगा, वरना वो खुद मारा जाएगा या फिर उसे इस जेल से भागना होगा। लेकिन यही सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि जेल कैदियों को रोकने ही बनाया जाता है। ये स्टाइल्स मैक्सिमम सिक्योरिटी नाम की जेल है। इस जेल में बहुत कड़ी सुरक्षा थी। हर कैदी को रोज 23 घंटे अपने सेल में रखा जाता है। सेल के दरवाजे भी पूरी तरह पैक नहीं थे, उनमें खिड़कियां बनी थी और हर आधे घंटे में कैदियों की गिनती होती थी। रिक्रिएशन एरिया में एक बार में एक ही कैदी को छोड़ा जाता था। जेल के बाहर 3 टावर बने थे। साथ ही जेल से बाहर गार्ड्स की एक कार पेट्रोलिंग करती रहती थी। साथ ही जेल चारों तरफ से लंबे तारों की फेंस से घिरा हुआ था। यहां तक कि आम लोगों को भी जेल के आसपास आने की इजाजत नहीं थी। टावर पर तैनात ऑफिसर्स को सीधे ऑर्डर थे कि वो भागने की कोशिश करने वाले किसी भी कैदी को गोली मार सकते हैं, मतलब इस जेल से भाग पाना लगभग नामुमकिन है। अपनी सेल में बैठे सेल की पेंटिंग बनाते समय हारल्ड भी यही सोच रहा था, लेकिन तभी उसने एक चीज नोटिस की। उसकी सेल में लगा बड़ा सा लाइट ब्लिंक हो रहा है। ऊपर वाले सेल से उसके सेल की लाइट पर पानी लीक हो रहा था। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। हारल्ड को समझ आया इन लाइट्स तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। कोई एक्सेस टनल या पाइप चेस जरूर होगा, जहां से मेंटेनेंस वाले सेल के पीछे तक पहुंचते होंगे। हारल्ड ने सोचा अगर वो अपने सेल की लाइट के पीछे पहुंच गया तो शायद वो बाहर भी निकल सकता है। उसने तुरंत अपने सेल की लाइट को चेक करना शुरू कर दिया। उसे समझ में आया वो लाइट फ्लेक्सी ग्लास, मतलब प्लास्टिक से बनी है और किसी भी प्लास्टिक की चीज को काटा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था उसे काटा कैसे जाए। लेकिन हारल्ड एक जीनियस था, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। तब उसने अपने शर्ट के कुछ धागे निकाले, फिर उन सबको मिलाकर एक मजबूत रस्सी बनाई। अब इसे आजमाने उसने अपने सेल में मौजूद एक प्लास्टिक के ग्लास को काटना शुरू किया। कुछ ही देर बाद वो ग्लास आसानी से कटने लगा। हारल्ड काफी खुश हुआ क्योंकि उसने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया था। अब उसने लाइट को ध्यान से देखा। उस लाइट को सील करने उसके किनारों पर सिलिकॉन लगा हुआ था। तब हारल्ड ने प्लास्टिक के डेंटल फ्लॉस से उस सिलिकॉन को निकालना शुरू कर दिया। डेंटल फ्लॉस दांत साफ करने की एक स्टिक होती है। फ्रेम से पूरे सिलिकॉन को निकालने के बाद उसने लाइट के सामने की प्लास्टिक शीट निकाली, लेकिन उसके पीछे का हिस्सा काफी मोटे प्लास्टिक का बना हुआ था। तब हारल्ड ने उसी रस्सी को लाइट के एक कोने से डालकर दूसरे कोने तक सरकाया, ताकि धागे के दोनों सिरे लाइट के पीछे से उसके पास आ जाए। धागा पुराने के बाद उसने रस्सी के दोनों सिरों को कपड़े की चिंदी से बांध दी, फिर वो धागे को आगे पीछे करने लगा। वो बस फिक्शन का इस्तेमाल कर रहा था। और थोड़ी ही देर बाद वो प्लास्टिक की शीट भी कटने लगी। अपना प्लान काम करता हुआ देख उसने प्लास्टिक को काटने में अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन उसे इससे होने वाले शोर की फिक्र थी। तभी उस ब्लॉक को चेक करने एक गार्ड वहाँ आ रहा था। दरअसल हर आधे घंटे में वहाँ सिक्योरिटी चेक होती थी। गार्ड हमेशा सोचते थे कि कोई कैदी यहाँ से भागने सिस्टम में कोई गड़बड़ी कर रहा होगा। उस समय हारल्ड को पता नहीं था गार्ड उसी तरफ आ रहा है। तभी उस पर गार्ड की परछाई पड़ी।
तब हारल्ट तुरंत दरवाजे के पास आ गया। वो गार्ड सेल के अंदर ही देख रहा था। अगर वो अंदर आ जाता तो हारल्ट का खेल वही खत्म हो जाता, क्योंकि वो धागा अभी तक लाइट में ही अटका था। इसीलिए उसने गार्ड के सामने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे सब नॉर्मल है। और लकीली कुछ सोचने के बाद गार्ड वहाँ से चला गया। तब उसने चैन की सांस ली। गार्ड के जाते ही उसने फिर से प्लास्टिक काटना शुरू किया और कई घंटों की मेहनत के बाद वो प्लास्टिक कट गया। उस समय हारल्ट बहुत खुश था। उसने जल्दी से उस प्लास्टिक को निकालना शुरू किया, लेकिन अफसोस उस प्लास्टिक के पीछे सलाखें थी। उसे पता था उसे इन मेटल बार्स को काटना होगा, लेकिन उसके पास कोई औजार नहीं थे, इसीलिए ये काम काफी मुश्किल होने वाला था। उन बार्स को काटने उसे उन बार से भी मजबूत चीज चाहिए थी। तब उसे याद आया इस पाइप चेस में कहीं ना कहीं स्टेनलेस स्टील जरूर होगा। तब वो अंदर हाथ डालकर स्टेनलेस स्टील ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसे दिखाई दिया उसके ठीक सामने एक पाइप को जोड़ा गया है और उसे टाइट रखने उस पर एक स्टेनलेस स्टील की पट्टी लगाई गई है। उसके अंदर की तरफ खांचे बने थे और उसे बीच से तोड़कर हारल्ड उसे ब्लेड की तरह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके हाथ पाइप तक पहुंच नहीं रहे थे, मतलब उसे हासिल करना काफी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन तब उसे एक और आइडिया आया। सेल में मौजूद अपने कपड़ों से उसने एक लंबी रस्सी बनाई, फिर सेल में रखी मैगजीन्स को रोल करके एक दूसरे से बांध दिया, जिससे मैगजीन की एक लंबी स्टिक बन गई। फिर उसने उन मैगजीन के सिरे पर एक धागे की रस्सी बांधी और उस धागे के सिरे पर टॉयलेट पेपर की बॉल बांधी। अब हारल्ड ने बॉल को झुलाना शुरू किया जिस तरह फिश स्टिक को झुलाया जाता है। दरअसल उसे टॉयलेट पेपर की बॉल को पाइप के पीछे फेंकना था। ये काफी मुश्किल काम था, लेकिन हारल्ड बार बार कोशिश करता रहा। फिर काफी देर बाद उसकी किस्मत ने साथ दिया और वो टॉयलेट पेपर की बॉल उस पाइप के पीछे चली गई। अब जैसे ही बॉल पाइप के पीछे से घूमकर निकली, हारल्ड ने मैगजीन की स्टिक और एक हुक का इस्तेमाल करके उसे अपनी तरफ खींचना शुरू किया। उसने पहले ही उस धागे की छोर पर एक चिंदी बांध दी थी और उस चिंदी के छोर पर उसने पूरी बेडशीट बांध रखी थी। अब उस शीट को पाइप के पीछे से निकालने के बाद उसने शीट के दोनों सिरों को पकड़कर जोर से खींचा, जिससे वो पाइप जॉइंट से टूटकर उसके पास आ गया, जिसमें वो पट्टी भी लगी थी। वो काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसने एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। अब उसने उस क्लाइंब को सीधा किया, फिर उसे बीच में से तोड़ दिया, जिससे अब उसके पास एक सॉ ब्लेड थी। अब ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए उसने उन मेटल बार्स को काटना शुरू किया। वो बार कट तो रही थी, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग रहा था और गार्ड किसी भी वक्त सेल के पास आ सकते थे। लेकिन हारल्ड ने गार्ड से बचने का भी रास्ता ढूंढ लिया था। उनके सेक्शन के दरवाजों में इलेक्ट्रिक लॉक था। उनके खुलने पर हर बार बज और क्लिक की आवाज आती थी। उसकी आवाज सुनते ही हारल्ड लाइट का पहला प्लास्टिक लगाकर दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता और गार्ड उसे देखकर आगे चला जाता। इसी तरह वो गार्ड से बच रहा था। वो लगातार उन मेटल बार्स को भी काट रहा था। अब एक दिन उनमें से एक बार कट गई, फिर हारल्ड ने उस बार को तोड़ दिया, लेकिन बाकी बार्स को काटने में काफी वक्त लगने वाला था। तब उसने सोचा क्यों ना उस मेटल बार के फ्रेम को ही निकाल लिया जाए। एक बार को निकालने की वजह से उसका हाथ आसानी से अंदर जा रहा था। तब उसने हाथ लगाकर देखा वो लोहे का केज दीवार में चार बोल्ट से लगा हुआ है। अब उसे उन बोल्ट को खोलना होगा। अब उन बोल्ट को खोलने के लिए हारल्ड ने उसी बार का इस्तेमाल किया। उसने बार को बीच में से आधा मोड़ दिया। अब उस केज में हाथ घुसाकर उसने मुड़े हुए बार से उस बोल्ट को पकड़ा, फिर बोल्ट को खोलना शुरू किया। वो बार बिल्कुल किसी पानी की तरह काम कर रहा था। उस बोल्ट के खुलने पर हारल्ड बहुत खुश हो रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे उसने चारों बोल्ट खोल लिए। अब उसे केज को वहां से हटाना था। वो केज काफी भारी था, इसीलिए उसने धीरे से केज को दीवार पर टिकाया, जिससे बस थोड़ी सी आवाज हुई और किसी को कुछ पता नहीं चला। उस पाइप चेस में आते ही हारल्ड का आगे जाकर देखने का मन कर रहा था, लेकिन उसे याद आया अगर गार्ड सेल चेक करने आ गए तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। और कुछ ही समय बाद वही हुआ जिसका उसे डर था। उसे सेल ब्लॉक का दरवाजा खुलने की आवाज आई। हारल्ड जल्दी से लाइट फिट करके अपने बेड पर आकर लेट गया, लेकिन गार्ड्स पूरा सेल चेक करने आए थे। ये उनका रूटीन था। वो ऐसे ही बिना बताए कभी भी सेल चेक करने आ जाते थे। उन गार्ड्स ने उसे कोने में खड़ा कर दिया और उसके सेल की तलाशी लेने लगे, लेकिन एक गार्ड ने गौर किया उसके सेल की लाइट नहीं चल रही। वो उस लाइट को चेक करने लगा। इस समय हारल्ड काफी घबरा रहा था, लेकिन उसने गार्ड्स के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश की। वो गार्ड उस लाइट को ठोक कर चेक कर रहा था, जिसके साथ हारल्ड की धड़कने भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लाइट का छोटे से छोटा पार्ट भी अपनी जगह से खिसका तो उसका खेल तो यही खत्म। लेकिन लकीली उन गार्ड्स को कोई शक नहीं हुआ। उनके जाते ही हारल्ड ने चैन की सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक ही आ जाता, मगर अब सब ठीक था। अब उसे भागने का प्लान बनाना था, लेकिन उसके भागने में कई तरह की मुश्किलें आने वाली थी। सबसे पहले उसे पाइप चेस में जाना होगा। वहां से जाना काफी मुश्किल होगा क्योंकि वो जगह काफी छोटी थी। उसके बाद पाइप चेस का दरवाजा आएगा, उस पर ताला लगा होगा जिससे उसे बाहर निकलना है। दरवाजे से निकलने के बाद वो जेल के कंपाउंड में होगा। उसे बिल्डिंग की तरफ से छुपते हुए टावर पर तैनात गार्ड्स और कार से पेट्रोलिंग कर रहे ऑफिसर से बचते हुए दो तारों के फेंस को पार करना होगा। साथ ही उसे अपने पैरों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उसके पैरों में नीचे से घुटनों तक रॉड लगी हुई है। अगर किसी ने उसका पीछा किया तो वो उनसे
भाग नहीं सकता, लेकिन फिर भी हारल्ड कोशिश करने का फैसला करता है। अगले दिन सुबह हारल्ड रिक्रिएशन एरिया में एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन तभी उसके बगल वाले सेल के कैदी ने उसे बताया वो लोग कल उसे मारने का प्लान बना रहे हैं। इसका मतलब कल उस पर हमला होने वाला है, अगर वो कल उन लोगों के हाथ लगा तो मारा जाएगा, इसीलिए उसने आज रात ही भागने का फैसला किया। अब उसके लिए करो या मरो वाली सिचुएशन थी। उसने अपने ऊन के कंबल को एक हुड वाला स्वेट सूट बना दिया ताकि वो अंधेरे में गायब हो सके, क्योंकि उसके सफेद कपड़े कम रोशनी में भी आसानी से नजर आ सकते थे। उसे फेंस को काटने औजार चाहिए थे, इसीलिए उसने पाइप को दीवार में लगाने वाले ब्रैकेट की मदद से एक कैंची बनाई। फिर उसने मैगजीन के पेपर की मदद से एक बॉल बनाई और उस बॉल में बाल चिपका दिए ताकि वो असली जैसा दिखे। उसे बिस्तर पर रख कर कंबल से ढकने पर ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई सोया है। अब गार्ड वहाँ किसी भी समय आ सकते थे, इसीलिए उसने अपना स्वेट सूट पहना, फिर उसमें फेंस काटने के औजार रखे। पाइप चेस में आकर उसने लाइट को फिट कर लिया। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। हारल्ड काफी नर्वस था, कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो पाइप चेस में आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो नीचे उतर कर पाइप चेस के दरवाजे तक पहुंचा। उस दरवाजे में लॉक लगा हुआ था, लेकिन उसे उस दरवाजे को भी पार करना था, इसीलिए उसने सॉ ब्लेड की मदद से उस लॉक को ही खोलना शुरू कर दिया। लॉक के कवर को खोलने पर उसे पता चला वो डोर लॉक लॉक की तरह अंदर से ही खुल सकता है, उसे खोलने किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। अब एक लीवर को खींचते ही वो दरवाजा आसानी से खुल गया। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखा, वहाँ से 2 गार्ड जा रहे थे। उनके जाते ही वो उस छोटे से दरवाजे से बाहर आया, फिर उसे बंद करके दीवार की आड़ में भागता हुआ एक कोने में आ गया। उस जगह से हारल्ड को दोनों टावर पर मौजूद गार्ड्स दिख रहे थे। उन गार्ड्स को देखकर उसे काफी डर लग रहा था, क्योंकि उन गार्ड्स के पास गन थी, वो उसे देखते ही शूट कर देते, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकता था। इसीलिए उस गार्ड के जाते ही वो तेजी से फेंस की तरफ दौड़ा। काले कपड़ों की वजह से उसे देख पाना मुश्किल था। अब उसने अपने कटर निकाल कर फेंस काटना शुरू किया, साथ ही वो ध्यान रख रहा था कि कहीं से कोई रोशनी तो नहीं आ रही, लेकिन वो फेंस कटने की बजाय उसका कटर ही टूट गया। अब हारल्ड काफी निराश हो रहा था कि अब वो आगे क्या करे। पैरों में लगे रॉड की वजह से वो उन फेंस पर चढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब उसने फेंस पर चढ़ना शुरू किया, साथ ही वो पेट्रोलिंग कार पर नजर भी रख रहा था। ऊपर चढ़ते ही उसे नुकीली तारे चुभने लगी, लेकिन उसे पता था उसने यह झटका दिया तो वो तारे उसे चीड़ देगी, इसीलिए उसने धीरे से उन तारों को निकाल कर दूसरी तरफ उतरना शुरू कर दिया। नीचे उतरते ही उसने देखा उसके हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन एक्साइटमेंट और नर्वसनेस की वजह से उसे ज्यादा दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अभी भी उसे एक फेंस पार करना बाकी था। अपने आसपास देखकर उसने दूसरा फेंस चढ़ना शुरू किया, लेकिन उस फेंस को पार करते ही उसे कार की लाइट दिखाई दी, मतलब वहाँ पेट्रोलिंग कार आ रही है। अब उसके पास नीचे उतरने का टाइम नहीं था, तब पैरों में रॉड लगी होने के बाद भी उसे मजबूरन नीचे कूदना पड़ा। लकीली उसे कुछ नहीं हुआ और उस कार के आने से पहले ही हारल्ड अंधेरे में गायब हो गया। वही दूसरी तरफ जेल में एक क्लीनर एक गार्ड को बताता है कि एक कैदी अपने सेल में नहीं है। वो गार्ड कुछ और गार्ड्स के साथ तुरंत हारल्ड के सेल के पास पहुंचता है। टावर से देखने पर उन्हें लग रहा था हारल्ड अपने बिस्तर पर ही सो रहा है। उन्होंने हारल्ड को आवाज दी, लेकिन वो कोई हरकत नहीं कर रहा था, इसीलिए गार्ड सावधानी बरतते हुए सेल के अंदर गए। कंबल हटाने पर उन्हें बिस्तर पर एक डमी दिखाई दी। उन्होंने पहले उसे सेल में ही ढूंढा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हारल्ड के भागने की खबर कंफर्म होते ही जेल को लॉकडाउन कर दिया गया। फिर कुछ देर बाद गार्ड्स जाकर फेंस चेक करने लगे। वो ढूंढ रहे थे फेंस को कहां से काटा गया होगा। उन्हें कटे हुए फेंस तो नहीं मिले, लेकिन वहां घास पर हाथों और पैरों से चलने के निशान मिले। इससे कंफर्म हो गया हारल्ड जेल से बाहर भाग चुका है। तब जेल का सायरन बजाया गया। अब तक सुबह हो चुकी थी, जेल में अफरा तफरी मच चुकी थी। फिर जेल में गार्ड्स ने स्टेट और लोकल पुलिस से कॉन्टेक्ट किया। कुछ समय बाद वहां काल नाम का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर पहुंचा। पूरा प्रशासन शॉक था, क्योंकि उस समय स्टाइल्स जेल सबसे आधुनिक और सुरक्षित जेल थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई वहां से भाग भी सकता है। काल ने हारल्ड के आसपास के सेल में बंद कैदियों से पूछताछ की, जैसे क्या हारल्ड की कोई गर्लफ्रेंड थी, क्या उसकी कोई मनपसंद जगह थी, या बाहर कोई उसका दोस्त है, या जेल में उसका कोई दोस्त था। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब ना थे, क्योंकि हारल्ड अकेला ही रहता था, वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। लेकिन काल को इसी बात की चिंता थी, क्योंकि बाहर उसका कोई सपोर्ट नहीं है और ना ही उसके पास पैसे है। अब इन सब के लिए उसे चोरी करनी पड़ेगी या किसी को लूटना पड़ेगा। चोरी करने या लूटने के दौरान वो किसी को चोट भी पहुंचा सकता है। वही दूसरी तरफ जेल से भागने के बाद हारल्ड एक घर के बाहर पहुंचा था। वहाँ एक कार खड़ी थी, उस कार में चाबी लगी थी, साथ ही कार में कुछ कपड़े भी थे। हारल्ड को यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी हो सकती है। हारल्ड कपड़े बदलकर कार में बैठ गया, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उसे कार चलाना आती ही नहीं थी। उसने आज से पहले कभी कार नहीं चलाई, लेकिन फिर भी उसने कार स्टार्ट की। उसे ध्यान रखना था कार कहीं किसी चीज से टकरा ना जाए, क्योंकि उस मिनी ट्रक में सामान भी था। लेकिन फिर भी
ने उस ट्रक को चला लिया और चुपके से उसे लेकर वहां से निकल गया। सुबह होते ही ये खबर हर न्यूज चैनल पर थी। हर जगह पुलिस नाकाबंदी लगा रही थी, लेकिन काल और जेल के गार्ड्स के पास खोजी कुत्ते थे। कुत्तों को हारल्ड की गंध मिल गई थी, जिसके जरिए वो उस घर तक पहुंच गए जहां से कल रात हारल्ड ने ट्रक चुराया था। ओनर से बात करने पर उन्हें पता चला उस ट्रक में उसकी एक राइफल और 112 गोलियां थी। ये सुनकर सभी ऑफिसर परेशान हो गए। काल ने तुरंत सिक्योरिटी और बढ़ा दी, क्योंकि अब हारल्ड के पास हथियार भी है। काल ने हारल्ड और उस ट्रक की जानकारी पूरे देश में फैला दी। वही दूसरी तरफ हारल्ड न्यूयॉर्क जाने वाले हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। ये बहुत बड़ा हाईवे था, इस हाईवे पर छुपने की बहुत जगह थी, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उसे दिखाई दिया सभी कार एक लाइन में लग रही है। लेकिन आगे जाकर उसे दिखाई दिया वहाँ पुलिस की नाकाबंदी है। अब वो ट्रक पीछे नहीं मोड़ सकता था, वरना पुलिस उसके पीछे पड़ जाती। उसे पता नहीं था ये नाकाबंदी किसके लिए लगी है, क्योंकि उसे लग रहा था अभी तक जेल में पता नहीं चला होगा, वो भाग चुका है। अब उस पुलिस ऑफिसर के सामने आते ही हारल्ड बिल्कुल आम नागरिकों की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा था। उस बूढ़े ऑफिसर ने उसे ध्यान से देखा, फिर उसे आगे जाने दिया। आगे जाकर हारल्ड को समझ आया उस ऑफिसर ने उसे पहचाना नहीं। उसने सुकून की सांस ली, अब उसका कॉन्फिडेंट और बढ़ गया था। उसे लग रहा था अब वो पकड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ काल समझ चुका था हारल्ड उनके हाथों से निकल चुका है। काल काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि हारल्ड रात में भागा था, मतलब वो रात भर सोया नहीं, और जिस मानसिक स्थिति में वो इस वक्त है, मतलब वो डरा हुआ भी है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है और नर्वस भी। इस स्थिति में वो दूसरों के लिए बहुत खतरनाक है, वो आजाद रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। वही दूसरी तरफ हारल्ड मिसिसिपी पहुंच चुका था। ये यूएस की दूसरी स्टेट है, और जैसा काल को अंदाजा था हारल्ड काफी थक चुका था। वो लगभग 24 घंटे से भाग रहा था, वो एक पल के लिए भी नहीं सोया। उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। अब थोड़ी देर बाद कार चलाते हुए ही उसे नींद आ गई और वो ट्रक रोड के साइड में जाकर क्रैश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली, उसने देखा गाड़ी रोड के साइड में एक पेड़ से टकरा कर रुक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ वो इस एक्सीडेंट से बच कैसे गया, क्योंकि उसे एक भी चोट नहीं आई थी। उसे ये कोई चमत्कार से कम नहीं लगा। तब उसने फैसला किया कहीं रुक कर उसे सो जाना चाहिए, इसीलिए वो ट्रक को एक बिल्डिंग के पीछे ले गया, फिर कार की लाइट बंद करके वही सो गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। अगली सुबह नींद खुलने पर उसे दिखाई दिया कोई कार के बाहर से उसे आवाज दे रहा है। खुद को संभालने पर उसे समझ आया बाहर एक पुलिस ऑफिसर है। तब भी उसने नॉर्मल रहने की कोशिश की। उस ऑफिसर ने उससे कुछ सवाल किए, तब हारल्ड ने बहाना बनाया उसकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है और वो उसी से मिलने जा रहा है। तब उस ऑफिसर ने हारल्ड से उसकी आईडी मांगी। उसे पहले ही उस ट्रक में एक आईडी कार्ड मिला था, जो उसने उस ऑफिसर को दिखाया। आईडी में दिख रहा आदमी कुछ हद तक उसके ही जैसा दिख रहा था, लेकिन ऑफिसर पहचान गया ये किसी और की आईडी है। हारल्ड ने फिर बहाना बनाया कि ये उस वक्त की फोटो है जब वो विदेश में काम करता था, लेकिन ऑफिसर ने उसे वही रुकने कहा और उस आईडी को चेक करने गया। वो ऑफिसर आईडी चेक करने में काफी टाइम लगा रहा था। तब उसे लगा उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑफिसर बूढ़ा और मोटा था, वो उससे बचकर आसानी से भाग सकता है। अब जैसे ही हारल्ड भागने वाला था, सामने से पुलिस की एक और कार आ गई, मतलब उसने भागने में बहुत देर कर दी। उस कार में दो यंग ऑफिसर थे, वो उनसे भाग नहीं सकता था। उन ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें जानकारी मिल चुकी थी वो चोरी की गाड़ी है, लेकिन उन्हें पता नहीं था वो जेल से भागा हुआ एक कैदी है, वो बस उसे एक चोर समझ रहे थे। लेकिन हारल्ड को पता था पुलिस स्टेशन ले जाने पर जब वो उसके फिंगरप्रिंट चेक करेंगे उन्हें पता चल जाएगा वो कौन है। थोड़ी देर बाद काल को एक फोन आया कि हारल्ड पकड़ा गया है। हारल्ड को पुलिस स्टेशन लाया गया। काल के मुताबिक हारल्ड ने जेल से भागने में तो बहुत दिमाग लगाया था, लेकिन जेल से बाहर निकलने और सर्वाइव करने उसके पास कोई प्लान नहीं था। उसने बाहर निकलने के बाद आने वाली चुनौतियों के बारे में सोचा ही नहीं था, इसीलिए वो पकड़ा गया। जेल में वापस लाने के दौरान उसे पता चला उसकी सजा और 20 साल बढ़ा दी गई, मतलब अब उसे 55 साल जेल में रहना होगा। आज के समय में हारल्ड 47 साल का हो चुका है और अभी तक टेक्सास की एक जेल में ही बंद है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन? आपको ये वीडियो और ये कहानी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहोगे, क्योंकि ऐसी कई कहानियां हैं जिस पर मूवी नहीं बनी, जिसमें से मेरी सबसे मनपसंद सर्वाइवर की कहानियां हैं। आप कमेंट में डू इट लिखिए ताकि मैं ऐसे और वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।